कटिंग करो ना ओके करा दे हो गया थोड़ा पीछे कर लिया आराम से स्टेडियम तक ही जाना है गाड़ी आगे लाने कहाँ गाड़ी में जा रहे हो नहीं नहीं अभी अभी लाइन मत लगाओ चलो कमिश्नर पुंछ जनाब राहुल यादव आईएएस सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब राजीव पांडे आईपीएस फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जनाब जहांगीर हुसैन मीर साहब पद्मश्री जनाब एसएन खजूरिया और यहां पर मौजूद मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चे और बच्चियां मीडिया पर्सन्स और मुअज्ज़ज़ हाजरीन महकमा पुलिस की जानिब से मुनक्किदा राष्ट्रीय एकता दिवस के मुल्तान के पहले वजीर दाखला मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें योम पैदाइश के सिलसिले में मुल्क भर की तरह ज़िला पुंछ में भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया है। हाजरीन आपको बताते चले कि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि गुजरात में नर्मदा ज़िला के केहड़ी मकाम पर 2400 करोड़ रुपए की लागत से 182 मीटर ऊंचा मर्द आहन का एक मुजस्मा नस्ब हम एक प्लेज लेंगे शपथ लेंगे अहद करेंगे मुल्क की एकता और अखंडता के निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टा और
हमारे स्कूल के बच्चों ने और विशेषकर की हालत से कि हमने रैली निकाली रन फॉर यूनिटी, इसका लोगों को ये मैसेज पहुंचाया हमने कि हम इस जिस देश में रहते हैं यहाँ हर एक मज़हब का लोग हर मज़हब के लोग रहते हैं और हमारा देश यूनिटी चाहता है और हमें यकजहती के साथ रहना चाहिए और हम यही मैसेज देना चाहते हैं दूसरे लोगों को भी कि यूनिटी के साथ रहें और जैसे आज अगर हमने रैली निकाली के मौके पर मैं आप यहाँ के जितने भी पुंछ के बाशिंदगान हैं ज़िला पुंछ के उनको सबको डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से आज योमे कौमी एकजुटता की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमें जो डायरेक्शंस थे और आज के दिन को जो हमने मनाना था उसी के तहत ज़िला पुलिस की तरफ से एक रन प्रोग्राम को रनिंग प्रोग्राम को हमने यहाँ पे उनका उसको मुनक्कद किया। साथ ही साथ एक कौमी एकजहता को और आगे बढ़ाने के लिए उसको और आबाद करने के लिए एक सिंबॉलिक तौर पर जो हम करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने CRPF और यहाँ की ज़िला पुलिस ने एक परेड का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया जिसका सैल्यूट अभी DDC साहब ने लिया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स जो मौजूद शहरी यहाँ पर खास करके मौजूद थे मखसूस तौर पे मैं नाम लूँगा हमारे ऑनरेबल MLC साहब प्रदीप शर्मा जी यहाँ सुबह आए, उन्होंने यहाँ पर रनिंग में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ XMLC एंड वाइस चेयरमैन जनाब जहांगीर मीर साहब, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीज़न हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारे रिटायर्ड आला पुलिस अफसरान जो सर्विस से मखदूश हो चुके हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर के उसमें पार्टिसिपेट किया। इकट्ठा हुए हैं और मैं सभी पुंछ वासियों को सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारा पुंछ जो हमेशा से एक मिसाल रहा है कौमी एकता की जो है आपसी भाईचारे की, तो यहाँ पर काफ़ी खुशी के साथ बच्चों ने और जो यहाँ पर जो डिफरेंट सीनियर सिटीजन आए थे उन्होंने काफ़ी ये जो है हर्षोल्लास के साथ ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये राष्ट्रीय एकता दिवस का पैगाम इसी टाइप से जो है डिफरेंट एरियाज़ में जाएगा और जो सरदार पटेल का जो एक विज़न था उन्होंने जो हमारे देश को एक जो है इकट्ठा किया हमारा देश इसी टाइप से जो है आगे प्रोग्रेस करता रहेगा और आपस में मिलजुल कर लोग इसी तरीके से देश को और भी आगे ले जाएंगे।